एवरीवन, आई एम शालू, आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और ज़ोडियक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडियक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडियक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपना ज़ोडियक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सेजिटेरियंस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विल सी प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर यू एज वेल एज गाइडेंस फॉर योर पर्सनल लाइफ। चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो एक काफी बढ़िया वीक दिखाई दे रहा है सेजिटेरियंस आपके लिए। ऑल पेंटिकल कार्ड्स, काफी मटेरियल एनर्जी नजर आ रही है, फाइनेंसेस पर फोकस ज्यादा रहेगा। शुरुआत के दौर में जो वीक का शुरुआत है उसमें किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, किसी ट्रेनिंग की शुरुआत हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक बिगिनिंग देखी जा रही है इन द इनिशियल डेज ऑफ द वीक। मिडिल वीक की बात करें तो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, काफ़ी एफर्ट्स देते हुए आप नज़र आ रहे हैं अपने काम में, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी एफर्ट्स डालेंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जैसा जितना फोकस, जितनी अटेंशन, जितने एफर्ट्स आप अपने काम को देंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप में से कुछ लोग कुछ चैरिटी वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ वॉलंटियर वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ द वीक में टीम वर्क में काम करेंगे, काफ़ी कंसिस्टेंटली, काफ़ी मेहनत से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक टीम में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने गोल्स की तरफ। तो बहुत पेशेंटली, बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हुए आप नज़र आ रहे हैं और उसके आपको रिजल्ट्स भी जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं। 18 टू 24 अप्रैल पर्सनल लाइफ सेजिटेरियस, 18 टू 24 अप्रैल पर्सनल लाइफ सेजिटेरियस, 18 टू 24 पर्सनल लाइफ। फाइव ऑफ कप्स, द हैंगमैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो सेजिटेरियस पर्सनल लाइफ के लिए जो है टाइम कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। वीक के शुरुआत में काफ़ी जो है होपलेस, काफ़ी डिजेक्टेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव आउटलुक नज़र आ रहा है। जो आपका सारा फोकस है अपने रिलेशनशिप की कमियों पे है, आप अपने रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपका जो फोकस है वो अपने पार्टनर की कमियों पे ज़्यादा है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी रिलेशनशिप में सिर्फ कमियों को मत ढूंढें, अपनी रिलेशनशिप के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी आप फोकस करें। मिडल ऑफ द वीक एक जो है स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी नज़र आ रही है, हैंगमैन। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ नहीं पा रही है, जैसी आप एक ग्रो चाह रहे थे अपनी रिलेशनशिप में वो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप कुछ अटक सी गई है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जो है ये जो टाइम है एक स्टैंड स्टिल वाला, ये जल्दी ही बीत जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक फोकस है इनवर्ड जाने की। आपके लिए एडवाइस है मेडिटेट करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, सेल्फ केयर में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रिलेशनशिप से ब्रेक लेकर थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें। आपने बहुत एफर्ट्स अपनी रिलेशनशिप को दी हैं तो थोड़ी सी जो है केयर, थोड़ी सी जो एफर्ट्स हैं अपने खुद के ऊपर भी करिए। मेडिटेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट दिस स्टेज। चलिए आपके लिए जो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है एंजल्स की। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस।
और कार्ड का मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस. यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू वॉन्ट टू बी कंटेंटेड इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ. तो बी अश्योर्ड दैट डिवाइन इंटरवेंशन इज हैपनिंग. जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं अपनी लाइफ की तरफ, भगवान आपको उन गोल्स तक पहुंचने में जरूर मदद करेगा. उनकी हेल्प आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. एंजल्स आर गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन. तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए. और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. Until my next video, bye and take care.